हम सभी कहते हैं कि भारतीय होने पर हमें गर्व है। इसका एक कारण यह भी है कि हमने ऐसी भूमि में जन्म लिया है जहां हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए अनेकों ज्ञान के स्रोत एकत्रित करके गए हैं। उन्हीं में से कुछ हैं वेद एवं उपनिषद। वेदों के साथ अगर सनातन धर्म में कोई नाम प्रचलित है तो वह है उपनिषद। क्यों उपनिषद को ज्ञान की कामधेनु कहा गया है और क्यों वे इतने महत्वपूर्ण हैं, यह जानने के लिए मैंने उपनिषदों का अध्ययन प्रारंभ किया है। मुझे लगा कि इससे जो मैं सीख पाई हूँ अगर सरल शब्दों में आप लोगों के साथ भी साझा कर पाऊँ तो यह एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के साथ। नमस्कार, मैं हूं आरुषि, एब्सेक्ट टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र का क्या अर्थ है, क्यों वह मंत्र इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ भी उपनिषदों का अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। यकीन मानिए ये उतना टिपिकल नहीं है जितना कि हमें लगता है। मेरे पास है ईशादि 9 उपनिषद, आप भी ये परचेज कर सकते हैं, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। और इसमें शंकराचार्य भाष्य दिया गया है, हिंदी में भी बहुत सरल शब्दों में अर्थ दिया गया है जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को सीखें और अपनी लाइफ में उनका यूज़ करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के साथ। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितामाग्रध कस्य स्विद्धनम्। अब आप इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ऐसा दिया गया है उपनिषद में, जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत्व स्वरूप अनुभव करना चाहिए, उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस मंत्र में क्या उपदेश दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, उस सब पर ईश्वर का ही अधिकार है। हर कोई चीज़ ईश्वर द्वारा ही उत्पन्न की गई है एवं उनके द्वारा ही नष्ट की जाएगी। तो हमें हर चीज़ का इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि वह हमारी नहीं है। हमें त्याग भावना के साथ उसका उपयोग करना चाहिए, अर्थात अगर हमारे पास कोई चीज़ है और किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि हर कोई इंसान के लिए वह चीज़ें अवेलेबल हों। हमें किसी और के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम देखेंगे अपने आसपास, आधी लड़ाइयाँ धन को लेकर ही हैं। हर कोई चाहता है कि वह दूसरे का धन हड़प ले, उसके लिए उसे कर्म ना करना पड़े लेकिन वह उसका धन अर्जित कर ले। अगर हम यह समझ पाएँ कि वह धन ना तो हमारा है और जिससे हम वह लेने की इच्छा कर रहे हैं यह उनका भी नहीं है, यह तो ईश्वर का है और सभी चीज़ें ईश्वर की हैं, तो हम किसी और के धन की इच्छा ना करते हुए अपने कर्मों द्वारा उसका अर्जन करें एवं उसका सदुपयोग करें, यही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा जानकर यदि हम संसाधनों का प्रयोग करें तो हमारे समाज में ही क्या, समस्त विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो आप जान ही गए होंगे हमारे उपनिषदों में किस तरह का ज्ञान उपलब्ध है। एक मंत्र में जब इतना ज्ञान है तो बाकी के उपनिषद से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी की सीरीज़ मैं बनाऊंगी और आगे के मंत्र भी आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इस मंत्र से आप क्या समझें, अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।